इस बीच एक और बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां आगामी चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल पूर्व विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। सागर के देवरी से कांग्रेस पार्टी के वो विधायक रहे हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे। 1998 में कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव जीते थे। ब्रज बिहारी पटेरिया 1998 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। हालांकि उसके बाद उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन जमीन स्तर पर वो लगातार काम करते रहे और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में भी उनकी गिनती होती है। लेकिन आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए और उनके पार्टी में आने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुशी भी जताई। उनका स्वागत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी में किया। पूर्व विधायक हैं ब्रज बिहारी पटेरिया। दरअसल चुनावी सरगर्मी अब तेज होती हुई मध्य प्रदेश में भी नजर आ रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही हैं। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ब्रज बिहारी पटेरिया 1998 में चुनाव जीते, उसके बाद लंबा अरसा हो गया, कुछ असर डाल पाएंगे बीजेपी में आने पर और कांग्रेस के लिए क्या ये बड़ा झटका होगा? देखो, देखिए 1998 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे ब्रज बिहारी पटेरिया और सागर के देवरी क्षेत्र से चुनाव जीते थे और ऐसे में अब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जो उनकी अपेक्षाएं थी, जो इच्छाएं थी, वो शायद कांग्रेस में पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि यही वजह रही कि उन्हें अब कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामना पड़ा। हालांकि अगर हम बात करें तो देखिए चुनावी वर्ष है, तो जाहिर सी बात है कि अगर राजनीतिक दलों में इस प्रकार से उठापटक होती है तो कहीं ना कहीं इसका फर्क भी जरूर पड़ता है। लेकिन एक लंबा समय हो गया है ब्रज बिहारी पटेल को अगर हम बात करें 1998 से, तो ज्यादा फर्क पड़ जाए ये भी नहीं कहना सही नहीं होगा, लेकिन इतना ये भी कहना गलत नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव भी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। ब्रज बिहारी पटेरिया अब आपका साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, क्या एक झटका होगा कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास केवल नेताओं को दल बदल करवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। ब्रज बिहारी पटेरिया जी काफी लंबे समय से निष्क्रिय थे, 1998 में एक बार विधायक रहे हैं, करीब 25 साल पहले। अभी लंबे समय से निष्क्रिय थे और कह सकते हैं जनाधार विहीन नेता थे। ऐसे नेता को भाजपा ने ले लिया है तो भाजपा को मुबारक हो, कांग्रेस पार्टी को ऐसे नेताओं के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस पार्टी मजबूती से काम कर रही है और जहाँ से पटेरिया जी विधायक रहे हैं वहाँ वर्तमान में भी कांग्रेस के विधायक है, पूर्व मंत्री हर्ष यादव नेतृत्व कर रहे हैं उस क्षेत्र का। अच्छा जी, सिर्फ पटेरिया की बात नहीं है ना, इससे पहले भी तो कितने पार्टी के नेता छोड़कर चले गए। आप तो हर पार्टी के नेता के जाने बाद यही कहते हैं कि पार्टी को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पार्टी को किस कदर फर्क पड़ता है वो नजर आता है ग्राउंड पर भी। देखिए, मध्य प्रदेश में दल बदल के बाद नगरीय निकाय चुनाव हुए, हम 5 नगर निगम और महापौर बनाने में सफल हुए, 2 निगम हमारे केवल 300 वोटों से हारे, तो पता चलता है कि जनता कांग्रेस के साथ है। ऐसे दल बदलों से फर्क नहीं पड़ता है। ग्वालियर मुरैना जहां सबसे बड़ा दल बदल हुआ, दोनों नगर निगम कांग्रेस जीती, सिंधिया जी क्या कर पाए अपने घर में, तो इसलिए इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ जनता खड़ी है। ये दल भाजपा को मुबारक हो। ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, पंकज जी। पंकज जी, अजय जी तो कह रहे हैं उनके जाने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, पूर्व विधायक रहे हैं, 1998 में वो विधायक रहे, उसके बाद लंबा अरसा हो गया, वो कह रहे हैं कि पार्टी में भी वो निष्क्रिय थे, तो अब ब्रज बिहारी पटेरिया को पार्टी में लाने के साथ क्या संदेश बीजेपी ने देने का प्रयास किया, क्या फायदा आपको मिलेगा सर? देखिए आदर्श जी, विषय लाभ और हानि का है ही नहीं, विषय तो उस राजनीतिक परिदृश्य का है जो मध्य प्रदेश में निर्मित है, जहां कांग्रेस पार्टी स्वयं एक निष्क्रिय राजनीतिक पार्टी है। जिस पार्टी के आदर्श जी, आप देखिए कि सदन में अविश्वास का मत पेश करता नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष सदन से विप के जारी होने के बाद गायब रहते, शादी समारोह अटेंड कर रहे होते, तो ये समझ में आता है कि जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इस बात की गंभीरता का अनुमान नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। अब तक आदर जी 18 साल में 2 ही अविश्वास प्रस्ताव आए हैं, एक अजय सिंह जी, अब नेता प्रतिपक्ष से कल अभी परसों गोविंद सिंह जी लेकर आए, तो ये तो तय था कि अविश्वास में कुछ नहीं होता, पर यदि सांकेतिक रूप से समर्थन देने, संबल देने के लिए कमलनाथ जी कम से कम अपनी पार्टी का विश्वास रखते, तो ऐसी पार्टी को किसी के जाने से मुझे लगता है कोई फर्क पड़ने नहीं, क्योंकि उनको पता है कि नतीजा तो सिफर होना ही है, कोई रहे तब भी, ना रहे तब भी, तो इसीलिए यही वक्तव्य आता है जैसा अभी आया कि उसका क्या फर्क पड़ता है, वो तो निष्क्रिय थे 98 में थे, अब नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी हर उस कार्यकर्ता का स्वागत करती है जो कार्यकर्ता राष्ट्रवादी भाव के साथ मध्य प्रदेश और देश के विकास के लिए जनकल्याण के लिए काम करना चाहता है। पंकज जी, कांग्रेस पार्टी को तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो लंबे अरसे से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं उन्हें तो जरूर फर्क पड़ता है ना सर, कि अचानक से आप दूसरी पार्टी के नेता को ले आइएगा और कल को मान लीजिए आप उन्हें टिकट भी दे देंगे तो फिर तो फर्क पड़ेगा ना सर, वहाँ के कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर लगातार काम कर रहे हैं। नहीं नहीं पड़ता सर, यही तो बुनियादी अंतर है कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्पष्ट तौर पर भाव के साथ काम करता है कि मैं देश के लिए अपने दल के लिए क्या दे सकता हूँ, और बाकी दलों की स्थिति यह है कि वहाँ वो क्या ले सकते हैं। इसीलिए तो 18 करोड़ लोगों का कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा उसका राजनीतिक दल है जो जनता की सेवा कर, आज 75% भारत में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष सरकारें जनता की सेवा कर रही है। क्यों सेवा कर रही है? इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर जिनके मन में सत्ता का स्वार्थ नहीं है, सेवा का भाव है, इसी यही बुनियादी अंतर है। इसीलिए कोई भी ऐसा कार्यकर्ता जब आता है तो कोई अंतर नहीं पड़ता, और ये आवश्यक थोड़ी कि कोई आया तो टिकट के साथ आ रहा है, टिकट की गारंटी है। आप आइए, काम करिए, अवसर मिलेगा सब। ठीक है, अजय जी जवाब दीजिए। वो तो ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में एकजुटता ही नजर नहीं आती सर, आप भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारी करते हैं और उसके जरिए से पार्टी को धार देने की तैयारी भी करते हैं, लेकिन खुद के कार्यकर्ता ही अगर छिटक जाएंगे तो थोड़ा प्रेशर तो जरूर पड़ेगा ना सर। देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा केवल दल बदल के आधार पर चल रही है, सरकार भी दल बदल करके बनाई है, और मैंने प्रमाणिक तौर पे पूछा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेता भाजपा में चले गए, उसके बाद भी ग्वालियर और मुरैना की नगर निगम कांग्रेस जीती। और पंकज जी जिस तरह से कह रहे हैं कि भाजपा के नेताओं का हक नहीं मार रहे, इन्हीं जैसे अजय जी, लेकिन दल बदलने के बाद भी तो जनता के बीच गए ना, जनता के बीच गए, जनता ने चुनकर ही तो उन्हें भेजा, तभी तो सरकार बनी ना सर। मैंने आपसे बोला जनता ने कहा किनके भेजा, जनता ने तो कमलनाथ जी के पक्ष में जनादेश दिया था। अरे सर, उपचुनाव तो हुए थे ना, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए ना, तभी तो सरकार बनी जनता। अजय जी, उपचुनाव कोई प्रमाणिक चुनाव नहीं होता है, जनता जानती है कि एक तरफ सारी सीटें जीतना और एक तरफ मात्र 2-4 सीटें जीतना, तो उसका लाभ मिलता है। कमाल करते हैं सर, अभी छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर सीट पर उपचुनाव था, तो फिर वहां जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी सारे दावे यहीं से 2023 का एजेंडा सेट कर दिया गया कि हम तो जीत रहे हैं, और इन उपचुनावों को आप अहमियत नहीं देते हैं। ठीक है अजय जी, शुक्रिया आपका, और साथ ही पंकज जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये